मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है। शिकायतें हैं कि आप कमेंट किए हो कि सर मेरा परिवार कभी गरीब है, मैं गरीब में रह रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दूसरी कंप्लेन कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी कमजोर है। कंप्लेन नंबर 3 कि सर मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ कुछ नहीं होता। बेटा सबसे पहली बात, आप धर्मेंद्र सर के साथ जुड़े हो और धर्मेंद्र सर के साथ जुड़े हो तो आप गरीबी का रोना रोना बंद करो। आपका जन्म गरीब में हुआ, आप बताओ इसमें तुम्हारी कोई गलती है? नहीं ना, तुम गरीब परिवार में पैदा हुए, तुम्हारी क्या गलती? लेकिन अगर आज तुम गरीबी में जी रहे हो, गरीबी में जवानी बिता रहे हो और गरीबी में मर रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। हाथ परमेश्वर ने दिया है, आज के आज उठो और अभी उठो और उठ करके औलाद पैदा करो, मेहनत करो। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाने का बीड़ा लिया है। तुम भारत के बेटे हो और भारत में राजा बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम गरीब में जीने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जन्म महानता के लिए हुआ है। और तुम गरीब नहीं हो, तुम महान बनने के लिए आए हो। अपनी महानता को बेटा पहचानो कि गरीबी कोई चीज नहीं होती। मन के गरीबी को हटाओ और अपने अंदर तूफान पैदा करो। तुम्हारा जन्म गरीबी में हुआ कोई बात नहीं, तुम्हें अमीर बनने से किसने रोका? अगर तुम्हारे परिवार माता पिता अनपढ़ गवार हैं, तुम्हें विद्वान बनने से किसने रोका? तुम्हारे जन्म तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन ये जीवन तुम्हारे बस में है। तुम्हारा जन्म लेना एक संयोग था, लेकिन तुम्हारा मरना संयोग नहीं। तुम्हारा मरना तुम पर डिसाइड करता है कि तुम झोपड़ी में मरना पसंद करते हो या महलों के राजा बन के मरना पसंद करते हो। भारत में जन्म हुआ तुम्हारा, मेरे बच्चे उठो, खड़े हो और तूफान पैदा करो, क्योंकि आज और अभी तुम्हारा अभी का दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए है, कल नहीं था। जो बीत गया पूरा लाइफ तुम्हारे लिए वापस नहीं आएगा, क्योंकि दिन जो तुम्हारा बीत गया ना, सुनो क्या बोला, जो दिन बीत गया ना कल वापस नहीं आएगा। फिर से सुनो, कल जो बीत गया वापस नहीं आएगा। आएगा कौन? आने वाला कल, और आने वाला कल आज है, क्योंकि आज ही वो कल था और आज तुम वेस्ट कर रहे हो और फिर तुम रोना रहोगे। आज और अभी, आज और अभी, कम ऑन, आज और अभी, अभी उठो और अभी तूफान पैदा करो। प्रतिदिन 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 लग जाओ अपने अंदर, और अंग्रेजी वो चीज है जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके माध्यम से तुम भारत में क्रांति फैला सकते हो। तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरा फॉलोअर है, तुम मेरा स्टूडेंट है, मेरे साथ चल रहे हो, और मेरे साथ चलने वाला रोना नहीं रोता, तूफान पैदा करता है, फौलाद पैदा करता है और इतिहास रचने के लिए आता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये ब्रह्मांड तुम्हारा है, ये दुनिया तुम्हारा है और सब कुछ तुम्हारा है। किस बात का? बस अपने अंदर सोच पैदा करनी है। इतिहास रचने के लिए दिमाग की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, और पढ़ाई वो गुप्त धन है तुम्हारा जिसके माध्यम से तुम अपने गरीबी को, अपनी अज्ञानता को मिटा सकते हो। और तुम्हारी जरूरत पूरे भारत की है, पूरे भारत की गरीबी मिटा सकते हो, पूरे भारत में तुम बड़ा काम कर सकते हो। और इसके लिए आज और अभी, आने वाले कल को ठीक करना चाहते हो तो आज और अभी को ठीक कर लो बाबू। आज और अभी में जीने का प्रयास करो और अभी उठो, कॉपी कलम उठाओ, प्रतिदिन शपथ लो कि मुझे अपनी गरीबी को मिटा देनी है, मुझे अपनी अशिक्षा को मिटा देनी है और शिक्षित परिवार पैदा करना है और पूरे भारत से गरीबी को मिटानी है, पूरे भारत को एक करना है और पूरे भारत में इतिहास रचना है, पूरे भारत में क्रांति फैलानी है। और फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसे ज्वालामुखी पैदा होता है, तुम कैसे दुनिया को आगे बढ़ाते हो और तुम कैसे अपने आप आगे बढ़ते हो और कैसे तुम अपने परिवार को बढ़ाते हो। तो पहले अपने आप को आगे बढ़ाओ, फिर परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तुम्हारा गाँव बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तुम्हारा देश बढ़ेगा, और इस तरह से पूरा भारत एकमय हो जाएगा और पूरा दुनिया सुंदर बन जाएगा, बशर्ते हम सुंदर बनना चाहें। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज और अभी में जीना का प्रयास करें, अभी ही है, न कल था न कल होगा। और हम लोग पास्ट का रोना रोते हैं कि पास्ट में ये हो गया, ऐसे हो गया, उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं। बीत गया छोड़ दो, न रोना है न गाना है, बीत गया छोड़ दो, न रोना है न गाना है, बस आज और अभी जो करना है, आज और अभी यही जीवन है और इसी को जी लो।
हर पल आनंद मनाओ, हर पल खुशियां मनाओ, हर पल में जियो। अगर आज कोई अभाव है तो जिसने अभाव में नहीं पला उसने इतिहास नहीं रचा। इतिहास वही रचते हैं, संकट ही सफलता की नींव है। वो संकट तुम्हारे पास आया है मतलब ये समझो कि तुम्हें महान बनाने के लिए आया है, तुम महान बनने के लिए पैदा हुए। अगर तुम्हारे पास कोई ना कोई कमी है इसका मतलब कि तुम सबसे महान बनने वाले हो, बस तुम्हें पहचानने की आवश्यकता है बेटा, और उसके थ्रू चल चलो, कदम बढ़ा लो और फिर देखो कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और YouTube पे हमेशा धर्मेंद्र सर की इंग्लिश फॉलो करो और उन गरीब बच्चों की जिसको जरूरत है, उनको जिनको अभाव है, हर किसी को फैलाओ और यह वीडियो पूरे भारत में फैलाओ ताकि सबको उसकी अपने आप की पहचान हो और पहचान पाए कि वो है कौन। तो पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपने लक्ष्य को पहचानिए, आपको जाना कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा कल्पना करना है, थोड़ा सा जीना है और फिर देखो ये दुनिया महान बन जाएगा। ठीक है, ईश्वर सबके साथ है और हमेशा मदद करता है। आप देखें, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको फैलाइए और लोगों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।